पहचाना नहीं। मैं कौन हूँ बोलो? अच्छा तो हेडफोन निकालू। अब तो पहचान गए हो ना कि मैं कौन हूँ? पहचान गए हो ना? फिर ब्लॉग बनाने का दिल किया, बना लिया ब्लॉग। सब रख मेरा नाम, और आज कल वीडियो बनाना है मेरा काम। एक्चुअली बन गया है। तो मैं एक बात बोलना चाहता था, एक चीज दिखाना चाहता था। तो बताए ना एरोप्लेन की ना इकोनॉमी क्लास ना सिमुलेटर ही बना लिया। तभी खोल लेते नहीं, तेरे तो आपके लिए खोलता है ना। चलते यह है मेरी सीट। अब मैं यह है मेरी सीट बैठा हूँ यहाँ पर। टेबल का टूर करा है ऐसे। ये फोन है ना, एरोप्लेन वाला स्क्रीन बना लिया। चलो देखते हैं। देखिए मजेदार है ना। इधर से मोबाइल ही बिना स्क्रीन है मेरे सिमुलेटर का, एरोप्लेन का। नंगे पैर बैठा हूँ जब एक तो मौसम भी अच्छा नहीं है। वैसे मौसम भी अच्छा नहीं है। इन सब बातों को साइड में रखा, मैं दिखाता हूँ। ये है टेबल, स्क्रीन जैसा लगे ना, पर ये है टेबल। रसोई से लेकर आया हूँ है ना, रसोई से लेकर आया हूँ। नो लॉक ओनली, जब चाहे खोल लो। अब इस पर चिप्स बटन, इस पर अभी मैंने बटन निकाला। इस पार्ट को डिलीट कर देना ओके, और भूल भी जाना पुराना वाला है क्योंकि नया वाला बहुत ही नाजुक है। चलो इसको ऐसे बंद करेंगे। और एक और चीज देखो मजेदार, ये ऐसे किया बस लाइटर के नीचे रख दो, लाइटर के नीचे रख दिया। असली एरोप्लेन में तो एयरलाइन की ही सिट्टी बट्टी भूल जाती है। चलो चलो अपना एयरलाइन से, और इसको प्राइवेट जेट भी बोल लो। रुद्राक्ष का साइड में पैसे नहीं है कि एक प्राइवेट जेट ही खरीदी। डर से ये लेकर आ गया, बट तो सोता नहीं हूँ। देखो अच्छा रहा है ना व्यू। अच्छा तो ऊपर से भी देखना है, लाल क्यों? अरे अच्छा ये तो आ रहा है ना। ओके अच्छा है। दो चेयर, कल मैं इस चेयर पर बैठ के मोबाइल देख रहा था। हाँ इस तरह से भी परफेक्ट है। बैग से तो बस ये दिख रहा है, फ्रंट से भी यही दिखेगा। नहीं ये तो पूरा दिख रहा है। तो चलो इस तरह बैठ जाते हैं। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी, दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी।
दोस्तों मैं दरअसल मैंने स्टार्टिंग में एक गलती कर दी थी। मैंने ना ऐसे टेप, ये जो टेबल है ना, निकाल लिया बस इसको ना ऐसे नीचे था ना ये, और तो मैंने कहा कि अगर ऐसा असली प्लेन में हुआ तो प्लेन की सिट्टी वट्टी गोल हो जाएगी, मैंने ये कहा था। लेकिन फिर ऐसे कुछ नहीं होगा, तो दरअसल जो लोग पैसेंजर्स हैं वो बार बार क्रू मेंबर्स से पूछते रहेंगे कि ऐसे कैसे बैठूँ वैसे पूछते रहेंगे। अब मैं क्या करूँ, मैंने गलती कर दी थी और इससे क्रू मेंबर्स बार बार परेशान हो जाएंगे ना। लेकिन मेरा मतलब इसको ना, मतलब ये ना, मतलब ये ना बहुत अच्छे से मैंने बनाया। दरअसल मैं बोलूँ मैंने कैसे इसका आइडिया आया, कल रात को मैं मोबाइल देख रहा था, इस कुर्सी पर बैठकर ये दरअसल एक अलग कुर्सी है और ये एक अलग कुर्सी है। मैं इस पर बैठ के मोबाइल देख रहा था कल रात को, जब मुझे आइडिया आया एक काम करते दे कि इस कुर्सी को भी ऐड कर लेते हैं। पहले तो मैंने इसको आमने सामने रखा, उससे मुझे तो इकोनॉमी क्लास का व्यू चाहिए था, लेकिन दरअसल मुझे इकोनॉमी क्लास का व्यू चाहिए था फर्स्ट बिजनेस का नहीं चाहिए था, क्योंकि वो मैंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है ऐसे ही बना कर घर पर ही बोलना चला ना। चल इसको चल मैं वो दरअसल वो ना मैंने मुझे ना जब मैंने ना इनको ना एक दूसरे के ऊपर रखने की अवस्था के बारे में सोचा, तब ये काम कर गया। और लेकिन पर मैंने सॉरी शायद मेरा मोबाइल गिर गया, शायद नहीं पक्का, ऐसे घुमा कर लाना पड़ेगा। तो ना ये ना मुझे मेरे ना पैर लटक रहे थे, इस छोटे स्टूल को मैं लाया, इसके ऊपर पैर रखता हूँ। अब तो जैसे मुझे आइडिया आया कि मैंने ऐसे बनाता हूँ और ज़्यादा मरिया लगेगा, तो अच्छा रहा ना मेरे क्या बोलते इकोनॉमिक क्लास के लाइफ क्या है रिकॉर्डेड टू अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो भूलना भी मत। इसके ठीक के बारे में बोलूं, वीडियो को ना शेयर करो। तो मैं ना एक ना बटन दिखेगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, जब तुम उस बटन को दबाओगे ना तो वहाँ पे ना एक ना बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करने पर तुम्हें ना ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। उसके बाद तुम्हें इस चैनल की ना नई नई नोटिफिकेशन ना मिलती रहेगी बेटा। एक और ट्रिक नहीं थी, ऐसे ही कर लेंगे। वैसे तुमने तो मेरे चैनल को भी तुमने मेरे चैनल को बस टाइम देखा तो तुमने भी ऐसा कर लिया होगा। चलो बस करते हैं, बाय बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सिर्फ है ना बी से बी एल डी एम बी क्यू डी एस टू सी माय वीडियो। ओके बाय बाय, गुड इवनिंग।